गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोल एंड पेट्रोलियम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर, देयर इज एन एक्टिविटी इज गिवन एंड सी द सेंटेंसेस. वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर अवर बेसिक नीड्स. सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट. हमारे चारों तरफ, हमारी जितनी भी एनवायरनमेंट के अंदर या आसपास हमारे बहुत सारी वेरियस मटेरियल्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो हमारी ज़रूरत के हैं. उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमें नेचर से मिल रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो नेचर में प्रेजेंट हैं बट ह्यूमन एफर्ट हो ह्यूमंस ने उन्हें बनाया है. ओके, सो इन दिस एक्टिविटी वी मेक अ लिस्ट ऑफ सच टाइप ऑफ वेरियस मटेरियल्स. ओके, विच एंड आफ्टर देन वी क्लासीफाई दैम एज नेचुरल एंड मैन मेड. हेयर आई राइट हेयर सम नेचुरल एंड मैन मेड मटीरियल्स. यू हैव टू ऑल्सो राइट दिस टाइप ऑफ मटीरियल्स इन योर बुक विथ पेंसिल. ओके, नेचुरल प्लांट्स. ओके, सो वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स. सिल्क एंड क्लोथ नेचुरल बिकॉज they are found from the plants and animals. Soil already present in the nature and in the soil plants are grow properly. Okay, and it is also a very necessary factor. Stone metals which are found in the nature, earth crust mein milte hai na metals, so all these are the natural. You also write in your fill your book with the pencil. After then man-made materials. Look, wood which is obtained from the plants and plant is a natural. Okay, so man-made kya hai? Furnitures. Us wood se human beings kya banate hain? Furnitures. Silk and cloth which obtained from the plants and animals. Okay, unse kya banaye jaate hain? Fabrics, clothes. After then bulb. Bulb is made by the human being. Cooler, fan, etc. Pen, books. Okay. All these aeroplanes, cars, all these are made by the utensils. These are made by the human beings. So, when we observe these materials, okay, we found that some are natural and some are man-made. Okay. सो डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर वाटर सॉइल एंड मिनरल्स. तो इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें क्या एयर वाटर और मिनरल्स भी ऐड हैं. येस, बिकॉज दीज आर ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर एंड दीज आर द एयर वाटर एंड सॉइल एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट. सो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. कौन से नेचुरल रिसोर्सेज? एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स. ये नेचर से मिल रहे हैं तो इसीलिए इसको क्या बोला है? नेचुरल रिसोर्सेस. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पैरा. कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड? एग्जॉस्टेड मीन्स होता है कि ख़त्म होने वाले. यूज़ कर लेते हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है. ओके, सो एग्जॉस्टेड मीन्स क्या ये ख़त्म हो जाते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. You have already studied about water in class 7th. Is water a limitless resources? Water जो है limitless है. Limitless resource क्यों है? क्योंकि rainfall होती रहती है. Okay, rainfall होती है, ground water collect होता है और इस process, ये जो water cycle है, it is a continuous process. It never be stop. That's why it is a limitless resource. In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. अब जितने भी natural resources आपको बताए हैं like air, water, soil, minerals, we classified them into two types of natural resources. इनको हमने दो natural resources में classify कर दिया है. First, inexhaustible natural resources. And second is exhaustible natural resources. Okay.
इनएग्जॉस्टिबल, नाम से ही पता है, एज अकॉर्डिंग टू द नेम दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. ये नेचर में अनलिमिटेड है, ओके, इट नेवर बी एग्जॉस्टेड. ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक सनलाइट, एयर. ये कैसे हैं? इन एग्जॉस्टिबल. ये हमेशा प्रेजेंट रहेंगे. अगर ह्यूमन एक्टिविटीज हो भी रही हैं तब भी ये ख़त्म नहीं होंगे. तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड हैं नेचर में, ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एंड एग्जांपल्स आर सनलाइट एंड एयर. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर. इनका जो अमाउंट है नेचर में जो प्रेजेंट है ये लिमिटेड है. अगर ह्यूमन एक्टिविटीज इनको यूज़ कर रही है, ओके, तो वो ख़त्म हो सकते हैं. एक टाइम ऐसे आएगा कि वो फिनिश हो जाएंगे. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. एग्जॉस्टेड मतलब अभी बताया था कि वो ख़त्म हो जाएंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, ओके, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा. दीज आर एग्जॉस्टेबल. जैसे फॉरेस्ट है, अगर हम कटिंग करते रहेंगे प्लांट्स की तो एक टाइम ऐसे होगा कि वो लैंड कैसी हो जाएगी? बैरन हो जाएगी. वहाँ पे कोई प्लांट नहीं होगा. अब प्लांट नहीं होंगे तो वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ यानी कि जो एनिमल स्पीसीज हैं या फिर जो वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगलों में रहते हैं, एनिमल्स ले लो, चाहे पीपल ले लो, कोई ट्राइब है, वो सारे के सारी लाइफ वहाँ की डिस्टर्ब हो जाएगी और ख़त्म भी हो सकती है. ठीक है, मिनरल्स, कोयल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हमें मिल तो रहे हैं नेचर से. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, मिल रहे हैं, बट अगर हम इनको जुडिशली यूज़ नहीं करेंगे और बार बार यूज़ करते रहेंगे, अनडिस्क्रिमिनेटली इसको यूज़ करेंगे, ओके, तो एक टाइम ऐसे आएगा कि इन फ्यूचर ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन को ये नहीं मिलेंगे. तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. गॉट इट? नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम विच आर प्रेजेंट इन द नेचर. ओके, एनी मटीरियल और सब्सटेंसेस विच वी गेट फ्रॉम द नेचुरल, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं. वी क्लासीफाई दैम इन टू टू, इन एग्जॉस्टिबल दैट आर अनलिमिटेड इन नेचर, दे नेवर बी एग्जॉस्टेड लाइक सनलाइट एंड एयर. एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर लिमिटेड इन नेचर एंड दे आर एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. ओके, नाउ दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इन दिस एक्टिविटी लुक, टेक सम कंटेनर्स, हम कुछ कंटेनर्स लेंगे, फिल दैम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, ओके, रेजिन्स, ग्राम, टॉफी, एनीथिंग. उन कंटेनर्स में आप कुछ भी डाल दीजिए, पॉपकॉर्न डाल दीजिए, पीनट्स डाल दीजिए, ओके, या फिर ग्राम डाल दीजिए, टॉफी, मतलब रखना है कंटेनर के अंदर. डिवाइड स्टूडेंट्स इन टू ग्रुप ऑफ 7 ईच, और उनको हमने ग्रुप इन जो ये चीज़ें हैं इनको हमने स्टूडेंट्स में 7 ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप. अब उस ग्रुप को हमने फिर 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ओके, कंटेनिंग 1, 2, 4 स्टूडेंट्स. ओके, लेबल दैम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिप्रेजेंटेटिवली. लाइक मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मतलब आपने क्या किया इस एक्टिविटी में कि एक ग्रुप बना लिया जिसमें कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, यानी कि 7 हैं, ओके, 7 ग्रुप बना लिया आपने लाइक दिस कि भाई आपने कंटेनर्स ले लिए हैं और यहाँ पे 7 ग्रुप्स बना लिए हैं, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. इस तरीके से ये 7 ग्रुप बना लिए और इसमें बच्चे हैं. फिर इस ग्रुप को फिर आपने डिवाइड कर दिया 2 और 3 ग्रुप्स में. सपोज करो इसको 3 में कर दिया, 1, 2, 3. इस ग्रुप को भी 3 में कर दिया, ओके,
और इसको भी कर दिया। तो इसमें ये जनरेशन बताई है कि ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, इसी तरीके से अगर इसको भी डिवाइड करेंगे तो वो थर्ड जनरेशन होगी। तो इन कंटेनर्स के अंदर यहाँ पे हमने जो 4-5 कंटेनर्स लिए हैं जिसमें आइटम्स हैं, ओके, इनमें आपने सब्सटेंस रखी हुई हैं, आइटम्स रखे हुए हैं, किसी में टॉफ़ी है, किसी में पॉपकॉर्न है, किसी में पीनट्स हैं। तो इस तरीके से अगर आप फर्स्ट जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनको ज़्यादा मिलेगी। फिर अब इनको जितनी मिली है, सपोज़ करो इनको 6 टॉफ़ीज़ मिली हैं, ओके, हर एक को 6-6 मिली हैं, लेकिन इस जनरेशन को अब अपनी नेक्स्ट जनरेशन में देना है। लेकिन इस नेक्स्ट जनरेशन में कितने ग्रुप्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, सपोज़ करो 3 है, तो ये अपने 6 टॉफ़ीज़ में से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 2-2-2, सेम ऐसे ही और ग्रुप भी कर देंगे। अब इनकी जो जनरेशन आएगी उसमें और डिवाइडेशन होगा तो वो उनको और कम मिलेगा। तो इट मीन्स ये कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ लिमिटेड है और हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो धीरे धीरे, और हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो क्वांटिटी कम होती जाएगी, ओके। तो इसमें आपको ये बता रहे हैं कि ये जो अभी आपको कोल एंड पेट्रोलियम टॉपिक है आपके चैप्टर का, दैट इज़ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस एक्टिविटी में यही बताया है कि ये कैसे हैं, लिमिटेड हैं, अगर हम इसको बिना सोचे समझे हुए यूज़ करेंगे, ओके, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, या फिर उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अर्थ से, नेचर से ले रहे हैं, तो एक जनरेशन ऐसी आएगी कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे, ओके, बिकॉज दीज आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। गॉट इट? सो लिसन स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर वर्क, ओनली रीड फर्स्ट 56 पेज नंबर एंड 57 पेज नंबर, जितना मैंने आपको समझाया है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं एंड दिस एक्टिविटीज़, ओके, यहाँ तक आपको इसको रीड करना है, देन वी कंटिन्यू टुमारो, ओके, थैंक यू।